अय्यूब की पुस्तक अध्याय तीन। अय्यूब की पुस्तक अध्याय तीन। अय्यूब का अपने जन्मदिन को धिक्कारना। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्मदिन को धिक्कारने और कहने लगा कि वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया कि बेटे का गर्भ रहा, वह दिन अंधियारा हो जाए, ऊपर से परमेश्वर उसकी सुधि न ले और न उसमें प्रकाश होए, अंधियारा और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहे और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजें उसे डराए, घोर अंधकार उस रात को पकड़े, वर्ष के दिनों के बीच वह आनंद न करने पाए और न महीनों में उसकी गिनती की जाए। सुनो, वह रात बांझ हो जाए, उसमें गाने का शब्द न सुन पड़े। जो लोग किसी दिन को धिक्कारते हैं और लिव्यातान को छेड़ने में निपुण है उसे धिक्कारे, उसकी संध्या के तारे प्रकाश न दे, वह उजाले की बाट जो है पर वह उसे न मिले, वह भोर की पलकों को भी देखने न पाए, क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंधन न किया और कष्ट को मेरी दृष्टि से न छिपाया। मैं गर्भ ही में क्यों न मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा, मैं घुटनों पर क्यों लिया गया, मैं छातियों को क्यों पीने पाया। ऐसा न होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता, मैं पृथ्वी के उन राजाओं और मंत्रियों के साथ होता जिन्होंने अपने लिए सुनसान स्थान बनवा लिए, वा मैं उन राजकुमारों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घरों को चांदी से भर लिया था, वा मैं असमय गिरे हुए गर्भ की नाई हुआ होता, वा ऐसे बच्चों के समान होता जिन्होंने उजियाले को कभी देखा ही न हो। उस दशा में दुख दुष्ट लोग और फिर दुख नहीं देते और थके मांदे विश्राम पाते हैं, उसमें बंधुए एक संग सुख से रहते हैं और परिश्रम कराने वाले का शब्द नहीं सुनते, उसमें छोटे बड़े सब रहते हैं और दास अपने स्वामी से स्वतंत्र रहता है। दुखियों को उजियाला और उदास मन वाले को जीवन क्यों दिया जाता है, वे मृत्यु की बाट जो होते हैं पर वह आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं, वे कब्र को पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मगन होते हैं। उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर परमेश्वर ने घेरा बांध दिया है। मुझे तो रोटी खाने की संती लंबी लंबी सांसें आती है और मेरा विलाप धारा की नाई बहता रहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है, क्योंकि मुझे न तो कल न शांति न विश्राम मिलता है परंतु दुख ही आता है।